हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुमन रियल ब्लॉग क्लीनिंग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के बजे हैं 8 और अभी मैं जस्ट नहा धो करके आई हुई हूँ। काम मेरा हो चुका था, चाय बना ली थी सुबह और नाश्ता वास्ता सब लोगों ने कर लिया, तो बैठी हुई थी तो मैंने कहा चलो 2 दिन से कोई ब्लॉग नहीं डाला तो आप लोगों से बात कर लेती हूँ और स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, तो आज तो कोई ब्लॉग नहीं मैंने बनाया आज, लेकिन मैं आप लोगों से कुछ खास बताना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में क्या कैसा हुआ और क्या नहीं हुआ। मैं बहुत दिन से सोच रही थी बताने के लिए कि आप सब शेयर करूँ, तो नहीं शेयर कर पा रही थी, इतनी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। तो फ्रेंड्स, आज मैं बता रही हूँ आप लोगों को अपने लाइफ की कि मेरी लाइफ में क्या हुआ, क्या कैसे हुआ और अचानक इतने सब अच्छी सी ज़िंदगी चल रही थी, फिर अचानक बीच में कैसे सब उलट पुलट हो गया और फिर लाइफ कितनी परेशानी में फंस गई। कभी कभी अचानक भाग्य इतना बदल जाता है कि आदमी कभी वो सोच ही नहीं पाता कि ऐसा भी होगा। तो बस वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी फ्रेंड्स। तो 23 मई 2019 की बात है कि शादी थी मेरी ससुराल में 23 मई 2019 को। तो हम लोग शादी में गए हुए थे, बस शादी में गए हुए थे तो मेरे हस्बैंड बारात गए हुए थे, उनका अचानक से एक्सीडेंट हो गया फ्रेंड्स। तो जैसे ही एक्सीडेंट हो गया तो वो वहीं पर पड़े रहे जब 1 घंटे तक किसी ने नहीं देखा। फिर बाहर जब सब कोई निकले, चौराहे में हो गया तो उनका एक्सीडेंट, फिर जब सब लोग बारात से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि अरे ये, तो फिर हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल ले जाने के बाद फ्रेंड्स उनको मतलब ट्रीटमेंट दिया, लेकिन उनके जीभ में ज़्यादा चोट आ गई थी और जो दांत थे 3-4 तो वो आगे के दांत कस के जीभ में गड़ गए थे, तो इस वजह से उनके काफ़ी जीभ कट गई थी आगे से और घाव हो गया था मुंह में बहुत ज़्यादा। तो फिर उनको हॉस्पिटल भर्ती कराए तो उनके मतलब दवा वगैरह डॉक्टर ने, रात में ही एडमिट रहे हैं हमीरपुर में, रात में वहीं पर एडमिट रहे और इसके बाद फिर सुबह उनके जब सब लोगों को मालूम चला तो सब गाड़ी से फिर अपने लेके 4 बजे सुबह आए और इसके बाद फिर आ गए हम, वो अपना उनकी ड्यूटी थी तो फिर वो आ गए यहाँ पर जहाँ ड्यूटी करते थे। फिर इसके बाद उन्होंने का सोचा कि चलो मेडिकल लगा देते फिर आराम करते, फिर उन्होंने मेडिकल लगा दिया और घर चले गए। इसके बाद जब घर चले गए तो फिर वो दिख 23 मई गर्मियों का दिन था तो वो धीरे धीरे सही हो जाता था बीच में और फिर पपड़ी सी बन जाती थी, फिर खाना पीना खाएँ फिर निकल जाती थी। ऐसे करते करते मतलब 2-3 महीने हो गए वो अच्छे से सही नहीं हो पाया था, थोड़ा सा सही हुआ ऊपर से कि लगता सब कुछ सही है। और फिर उसी टाइम मुझे लगता लॉकडाउन हो गया था, हाँ लॉकडाउन था। तो फिर अब ये रात में जैसे ड्यूटी जाते थे तो मसाला 5 चूना ही खाते थे तो खाने लगे और वो अंदर घाव उनके बना ही रहा जीव में, तो बस वो जब घाव ऐसे ही बना रहा तो इसके बाद धीरे धीरे वो घाव बढ़ने लगा। ऊपर से तो सही लग रहा था कि चलो सही हो, इंजेक्शन वगैरह लगाए सूखने के सब कुछ किया, क्योंकि लॉकडाउन में डॉक्टर कोरोना का टाइम था तो डॉक्टर भी नहीं अच्छे से देख रहे थे और बहुत दूर से देख रहे थे उससे, तो बस इसीलिए फिर डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने अपना ट्रीटमेंट चालू रखा और इंजेक्शन के डेली लगते थे सूखने के, तो बस सूख जाता था तो उनको कुछ एहसास ही नहीं होता था, दर्द वगैरह नहीं होते क्योंकि पेन किलर दे देते थे डॉक्टर, तो ये सब खा लेते थे पेन किलर। और इसके बाद फिर इनको कुछ पता ही नहीं चला, ऐसे होते होते 1 साल पूरा गुजर गया। मतलब कभी सही हो जाए, कभी घाव मतलब छिल खाने में दिक्कत हो तो पता चल जाए कि घाव मुँह परेशानी है, क्योंकि सब्ज़ी तो बिल्कुल मैं सिंपल बनाती थी फिर भी जैसे नमक वाली भी नहीं खा पाते थे, तो कहीं दूध कहीं दलिया कहीं खीर ऐसे ही ज़्यादा खाते थे, तो बस तो इंजेक्शन लगवा लें तो सही हो जाए, दर्द की दवा खा लें तो कुछ पता ही नहीं चले, तो ये समझे हमारा सही हो गया सब कुछ। और इसके बाद फिर 1 साल के बाद वही करीब 20 जुलाई 2020 की बात है, हाँ 20 जुलाई 2020 की बात है, तो उनके मुँह में अंदर से एकदम से सूजन सी आ गई, तो मैंने देखा मैंने कहा बहुत ज़्यादा मुँह में सूजन सी आ गई है तो चेक कराइए, तो फिर ये बोले कि ठीक है दिखा देते, तो हम झांसी गए इनको दिखाने के लिए, झांसी में इनकी पूरी जाँच हुई, इसके बाद हम डॉक्टर ने दवा दे दी 15 दिन के लिए। फिर इसके बाद वहाँ से झांसी से आए और 15 दिन की दवा खाई, उसमें कुछ आराम नहीं लगा। तो फिर इसके बाद ये अगस्त में कानपुर गए, कानपुर में भी वहाँ जांच कराया, वहाँ पे दिखाया सब डॉक्टरों को, जो मतलब
मुंह वाले नाक कान गले और मुंह वाले डॉक्टर थे उनको डॉक्टरों को दिखाया, फिर कानपुर उन्होंने भी जांच की सारी और 15 दिन की दवा दे दी। तो बस फिर ऐसे सितंबर तक दवा चलती रही, वहाँ भी आराम नहीं लगा, फिर ये यहीं फिर आ गए जहाँ ड्यूटी करते थे। फिर इन्होंने वहाँ पर दिखाया और डॉक्टर ने 5 दिन की दवा दी, इंजेक्शन लगाए, तो फिर इनके घाव सही नहीं हुए। मतलब एक साइड जीभ में जो छोटा सा घाव था वो सही नहीं हुआ, तो इनको दर्द होता था, खाना खाने में कुछ भी खाते थे बहुत परेशानी होती थी। तो ये मतलब महीन लिक्विड चीज़ें ही खाते थे, उसी टाइप नहीं खाते थे। तो फिर उस डॉक्टर ने बताया कि आप जाइए ग्वालियर और वहाँ पर चेक कराइए। तो फिर ये जब ग्वालियर गए थे 10 दिसंबर, हाँ 10 दिसंबर 2020 को ये ग्वालियर गए, 10 दिसंबर 2020 को ये ग्वालियर गए। तो इन्होंने वहाँ पे चेक कराया, तो वो डॉक्टर बोले कि आपको कैंसर हो गया और बहुत ज़्यादा मतलब अंदर तक फैल चुका है, तो आपको ऑपरेशन कराना। उन्होंने जाँच की, तो वो मतलब जांच के बाद फिर पता चला, तो उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन अगर कराना चाहें तो करा सकते हैं, नहीं कराए तो आपको कीमोथेरेपी हर महीने 20 दिन में की जाएगी, आप कीमोथेरेपी होगी और इसके बाद आप 20 दिन बाद फिर आपको हर महीने यही होती रहेगी। तो सब लोगों ने कहा कि बार बार इससे दिक्कत, एक बार ऑपरेशन करा लो, जो भी होगा तो निकल जाएगा, शायद सही हो जाएगा। तो फिर उन्होंने हमारे मतलब बहनोई थे और मेरे पापा थे, सब लोग थे, तो भैया भी थे, तो सभी लोगों ने कहा कि ऐसा करवा लेते हैं ऑपरेशन। फिर इन्होंने ऑपरेशन के लिए अपना डेट दी कि फलानी तारीख में आपको ऑपरेशन हो जाएगा, आप आ जाइए, 20 दिन की दवा ले लीजिए, इसके बाद आइए। फिर 20 दिन के बाद इनकी दवा दे दी 20 दिन की, और इसके बाद फिर ये 12 दिसंबर को गए ऑपरेशन के लिए करवाने के लिए। तो डॉक्टर ने बोला अभी कीमो चढ़ा लो, फिर एक हफ्ते बाद आप आना, तब ऑपरेशन होगा। फिर इनका कीमो लग गया और एक हफ्ते के बाद फिर ये 20 दिसंबर या 22 दिसंबर को ऐसे गए। फिर इनका 24 दिसंबर को ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद ये सही हो गए, आए, सब कुछ अपना चलने फिरने लगे, खाने पीने लगे, लेकिन मतलब आगे जहाँ पर जीभ का घाव था वो कट गया था और बगल के दांत 4 निकाल दिए थे। आगे मैं नेक्स्ट बताऊँगी, तो बाय बाय।